सजग नागरिक टाइम्स मध्ये आपले स्वागत आहे. काल दिनांक 15 डिसेंबर रोजी पुणे कॅम्प भागातील लेडी हवाबाई स्कूल मध्ये मुस्लिम समाजातर्फे एक मीटिंग घेण्यात आली. या मीटिंगचा विषय हा नागरिक संशोधन बिल कॅब व NRC हा होता. या दोन्ही कायद्या संदर्भात नागरिकांना माहिती देण्यात आली व यांचे नुकसान काय होणार याबद्दल सर्वांना कळविले. या कायद्यांची माहिती पुण्यातील नामवंत वकील मौलवी व माजी IPS अधिकारी अब्दुल रहमान यांनी व तसेच सामाजिक कार्यकर्ते यांनी दिली. या मीटिंगमध्ये पुण्यातील अनेक संघटनांचे पदाधिकारी व नागरिक विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्या विरोधात पुण्यात मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन उभे करण्याचे ठरले आहे. अधिक माहिती जाणून घेऊया माजी IPS अधिकारी अब्दुल रहमान यांच्या तोंडून. पुणे के सभी मेरे भाई, सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और आपके सामने बोल भाई रखने का मौका दिया. बनोवर भाइयों, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा. हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लीक से हटके लगे, थोड़ा सा आपको हर्ट करे, लेकिन जो वाजिब है, जो प्रैक्टिकल है, वही चीज मैं बताऊंगा और आप उसको तस्लीम करना पड़ेगा. सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का ये दिन है, ये मजहबी नारे लगाने का दिन है. मजहबी नारे वहां लगते हैं जहां मजहब की गैदरिंग होती है. आज जो नारा लगना चाहिए आपके वजूद पे खतरा है. वजूद की नहीं, वजूद को वजूद का ही नारा लगना चाहिए. मैं आपको बताना चाहता हूं गौरव भाइयों, सबसे पहले अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा कीजिए, अपने अंदर अनुशासन पैदा कीजिए. हमको कानून के अंदर कैसे रखना उसको सीखिए और फिर कानूनी लड़ाई लड़िए. भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि NRC और CAB हमारे ऊपर बहुत सारे तकलीफ है. मॉब लिंचिंग हुआ, ट्रिपल तलाक आया, 370 आया, बहुत सारी चीजें आई, तकलीफें हुई. और ऐसा नहीं कि हमारे लोगों ने सरकार को रिमाइंड नहीं किया. हमारे लोगों ने डेटा के साथ, फिगर के साथ लिख करके, बोल करके गवर्नमेंट को सब बताया, लेकिन गवर्नमेंट को ये सारी चीजें तस्लीम नहीं है. लेकिन आज जो मसला है, आपको मैं बता दूं ट्रिपल तलाक से कितने लोग प्रभावित होने वाले हैं. 1,000 में 3 आते हैं. 370 से कौन प्रभावित होने वाला है? मुल्क का एक छोटा सा हिस्सा जम्मू और कश्मीर. लेकिन आज जो मसला आया हुआ है, इससे पूरा देश प्रभावित होने वाला है, पूरा देश इससे अफेक्ट होने वाला है. आपके वजूद पे खतरा है. और मैंने ये कहा है कि NRC जो आया है, यह NRC सबसे पहले यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है. मुसलमान, दलित, ट्राइबल्स और सारे मजहब में जो गरीब है उनके खिलाफ है. हर आदमी से यह पूछा जाएगा कि आपकी नागरिकता क्या है, तो वो आदमी सबसे पहले जाकर अपना डॉक्यूमेंट जमा करता है और डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए पैसे खर्चा करता है, लाइन लगाता है. जो आदमी अमीर है, जो आदमी पढ़ा लिखा है, अपना डॉक्यूमेंट जमा कर लेता है. लेकिन जो आदमी गरीब है, छोटे तबके के, वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाता. सबको तकलीफ होती है. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई जो है, ये आप मान करके चलिए कि ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है. आपको हमारे जो हिंदू भाई है, जो दलित भाई है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको बताना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा. ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, आपकी भी लड़ाई. सबसे पहली बात ये नोट करके रखिए. दूसरी बात ये जो CAB जो आ रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, इसको मैंने कहा है ये कानून के खिलाफ है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है, उसके बेसिक फीचर के खिलाफ है, Article 14-15 के खिलाफ है. और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है. हमारा कानून धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करता. आप बताइए, क्या मजहब एक बुनियाद हो सकता है कि किसी को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? आदमी ओरिजिनल होता है, मजहब बाहरी होता है. आप मान लीजिएगा कि कोई आदमी का
ए मजहब है, कल जाके बी हो सकता है, कल सी हो सकता है, और वो तो आ रहा है। आपके पता है कि हर्षवर्धन साहब ने कहा है कि मैं अगर ये सीए भी लागू हुआ तो मैं अपने आप को मुसलमान इंस्टॉल करूंगा और एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा और मैं नितिन शंकर में रहूंगा। तो उनका मजहब चेंज हो रहा है कि नहीं? आज ये है तो ठीक हो रहा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मजहब जो है किसी भी चीज का बुनियाद नहीं हो सकता, पूरी तरह से इक्वालिटी बिफोर लॉ को कुचला जा रहा है। और जब संविधान खतरे में आता है तो मैं बता देता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरा नहीं, पूरे देश के लिए खतरा है। तो इसे जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो ये है कि आपको पता है कि ये लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से नहीं पास हो गया, राष्ट्रपति ने भी इसको साइन कर दिया। अब लड़ाई सिर्फ दो ही जगह लड़ी जा सकती है, एक लड़ाई लड़ी जा सकती है कोर्ट में और एक लड़ाई लड़ी जा सकती है रोड पर। एक तो लड़ाई लड़ी जाएगी कोर्ट में, मैं आपको चाहूंगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट की लड़ाई में आगे है, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड हो या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिन लोगों ने पिटीशन फाइल किया, मैं आपको कहूंगा एक साथ आप जो मस्जिद और मदरसों को जिस जगह देते हैं ये जगह निकाल कर ऑर्गेनाइजेशन को लड़ाई लड़े दीजिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जो है कोई भी लड़ाई अगर हिंसक हो जाती है तो उसका रास्ता भटक जाता है, वो खत्म हो जाता है। हमको हिंसक लड़ाई नहीं लड़नी, हमको पूरी तरह से डेमोक्रेटिक वे में पूरी तरह से नॉन वायलेंट होकर के हमको लड़ाई लड़नी है। आप पूरी तरह से मार्च निकालिए, प्रोसेशन निकालिए, एजुकेशन निकालिए, वर्कशॉप दीजिए, लोगों को एजुकेट कीजिए, आप डेडिकेशन लेकर के जाइए पीसफुल तरीके से। आपको जो कहना है आप बातों से कहिए, जो कहना है तख्तियां बना करके कहिए, प्लैकर्ड बना करके कहिए, जो कहना है मेमोरेंडम से लिख करके लोगों को रिमाइंड करके कहिए, लेकिन किसी भी तरह का कानून अपने हाथ में नहीं लेकर इस चीज को अपोज करना है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से आप बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख मुसलमान है, 20 लाख मुसलमानों में से अगर 20 करोड़ मुसलमान, 200 मिलियन मुस्लिम और आज जो है मैंने इसके पहले भी प्रोग्राम हुआ था तो आज जो है धर्म के आधार पर मुसलमानों को अलग किया गया, क्या गारंटी है कि कल सिखों और ईसाइयों को अलग नहीं किया जाएगा? क्या गारंटी है कि कुछ दिन के बाद जो पारसी है उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा? क्या गारंटी है कि कुछ दिनों के बाद हिंदुओं में भी कुछ लोग उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा? तो ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है और पूरे देश के लोगों को इसमें शामिल होकर के और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और ये मैंने कहा है ये जो बिल है ये अपनी जानकारी के लिए रखिए, लोगों को बताने के लिए रखिए, अगर आप आज से कोई आपके पास करता है उसको बताइए कि ये जो एक्ट है यह पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है। सिर्फ आसाम, सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो आने वाले जो माइनॉरिटीज हैं नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज उनको रिफ्यूजी का दर्जा दिया जाएगा और बाद में उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट अबाउट नेपाल, वो भी तो हमारा पड़ोसी देश है, भूटान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका के 1 लाख से ज्यादा तमिल हिंदू आज हमारे देश में बसते हैं, शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं, उनके साथ क्या इतिहास नहीं होगा? क्या उनके साथ फलसलूकी नहीं होगी? क्या उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? उनको कौन ये करेगा? यह पूरी तरह से देश को शांति से अशांति के बारे में ले जाने की कोशिश की जा रही है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, सरकारों का काम क्या है? सरकारों का काम है आपको रोजी रोटी देना, सड़क बना करके देना, स्वच्छ पानी देना, बिजली देना, स्वच्छ हवा देना, शिक्षा देना, चिकित्सा देना, ये काम है। ये सरकार को क्या एनआरसी किसी ने बोला था सरकार को एनआरसी कराइए? हर देश में बहनों और भाइयों डिटेक्शन और डिपोर्टेशन बना चुका है, पुलिस एक महकमा है उसमें ये होता है कि भाई अगर बाहर से कोई आता है तो उसको डिटेक्ट कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए। क्या हर आदमी से नागरिक का ये आप सबूत मांगिएगा? छोटा देश जहां पे लाख में पॉपुलेशन है, 1-2 करोड़ पॉपुलेशन है, आप वहां पे पूरे लोगों को लाइन में खड़ा कर सकते हैं? हमारे देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं, क्या सबको आप लाइन में खड़ा कीजिएगा? इस मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश इस कदम से सरकार के कदम से पूरा अपना जो देश जो आगे जो जा रहा है अपना डेवलपमेंट रुकने वाला है, प्रोग्रेस।
रहे से उतरने वाला है, जीडीपी नीचे जा रहा है, 4.5% जीडीपी है और ये नीचे जाने वाला है। तो हम जो ये कदम उठा रहे हैं सिर्फ अपने वसूल के लिए नहीं उठा रहे, हम देश के लिए उठा रहे। आप ये मान करके चलिए, आपको देश बचाने के लिए उठा रहे, देश के लिए उठा रहे, पूरी तरह से पीसफुल होकर के, पूरी तरह से अच्छे तरीके से डिसिप्लिन होकर के, किसी भी तरह के जज्बात में नहीं आकर के आप इसको अप्रोच कीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि इस्लाम के जो पांच शर्तें हैं, कलमा, नमाज, हज, रोजा, ज़कात, पांचों कीजिए अपने दिल के अंदर कीजिए, जाने कीजिए, सबसे कीजिए। एक साल तक आपको इस्तेमाल करते हैं जहाँ से लाखों लाख इकट्ठा होते हैं, आप एनआरसी और सीएबी के नाम पर इकट्ठा हो जाइए। कितने दिनों से हम तैयारी करते हैं भाई, कोई आपके मैदान लेट कर रहा है, कोई टॉयलेट का इंतजाम कर रहा है, कोई खाने का इंतजाम कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम कर रहा है, लाखों लाख इकट्ठा हो रहे हैं। कीजिए वैसा इंतजाम, जमा कीजिए 1 लाख 2 लाख गवर्नमेंट को बताइए कि भाई हमारे दिल के अंदर क्या है, हमारे अंदर हमारा जो वजूद खतरे में है हम क्या महसूस करते हैं, कीजिए जो बताइए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए मैंने जो किया है ये कोई सरकार के लिए, सरकार बिल्कुल मत कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये छोटी सी कुर्बानी है, मैंने आप लोगों से दी है, यही छोटी सी कुर्बानी हर आदमी दे सकता है, हर आदमी इस हैसियत में है, इस तरह से है कि वो कुर्बानी दे सकता है। कोई आपके वक्त की कुर्बानी दे, कोई आपके पैसे की कुर्बानी दे, कोई आपके कुछ लिख करके लोगों को बताए, कुछ आपके एजुकेट करे, कुछ आपके जाकर के हमारे जो हिंदू भाई हैं उनसे मिल करके उनके जो दिल में जो किसी तरह की गलत खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। भाई जो बार वक्त आ गया है कि हर आदमी को किसी न किसी तरह की कुर्बानी देने की जरूरत है। आप आगे बढ़िए, मैंने ये कहा है कि जहां जहां पे जो भी प्रोटेस्ट होगा, जहां पे जो भी डेमोक्रेटिक वे में जो सारी चीजें होंगी, मैं उनका पार्ट रहूंगा और आप लोगों के साथ पूरा देश खड़ा रहेगा, पूरा देश खड़ा हो रहा है। और इस बिल को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये तो मुझे लगता है कि कोर्ट ही खत्म कर देगा, अगर कोर्ट नहीं खत्म कर देगा तो आपका जो इज्तमाही जो मेहनत रहेगी उससे जरूर सरकार बात जरूर करेगी। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।